हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया कैंडलस्टिक पैटर्न का एक नया पैटर्न जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों, जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की तरफ। दोस्तों, जैसा कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको बता रहा है, बुलिश मीन्स बुलिश, बुलिश एनगल्फ कर रहे हैं, एनगल्फ मीन पूरा ढक दे रहे हैं, मीन्स आपका जो बायर है वो अभी एग्रेसिव हो गया है। बायर एग्रेसिव हो जाना मीन्स मार्केट चढ़ने वाली है, इसका मतलब मीन्स मार्केट चढ़ने वाली है। बुल्स जो है, क्या कहते हैं जो हमारे बुल क्या होते हैं, मार्केट जो उसको चढ़ाव के लिए जब भी मार्केट चढ़ती है तो उसको बुल्स कहते हैं, बुलिश। तो बुल्स ने जो सेलर को है उनको दबा दिया है, जो भी सेलर को दबा के तो वो मार्केट में चढ़ावा लेके आ चुके हैं। दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखते हैं ये किस तरीके से बनता है, जैसे कि अगर जैसे मार्केट कभी गिर रही होगी, जैसे मार्केट गिरी, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल बनी आपकी, बियरिश कैंडल बनी। बियरिश कैंडल थोड़ा सा छोटी होगी, जैसे यहाँ से ये बड़ी डे वन का इसका ओपन है और क्लोज ये है तो छोटा सा है, ये बॉडी इसकी छोटी सी है और जो शेडो है वो भी छोटा सा शेडो है, इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ठीक है। और जब जो अगली कैंडल इसकी अगले दिन की बनेगी या जो अगली कैंडल जो भी बनेगी तो ये इस तरीके से बनती है कि ये इसको पूरी इसकी बॉडी को पूरा ये पूरी बॉडी इसकी ढक देती है। जब इसकी बॉडी ने इसकी बॉडी को पूरा ढक दिया और जब ये ओपन हो गई, ओपन हुई तो इससे भी इसके नीचे ओपन होगी, मीन्स गैप डाउन, ये गैप डाउन बना मीन्स नीचे ओपन होगी, इसके भी नीचे ओपन हुई है। नीचे ओपन होने के बाद दोस्तों ये जब क्लोज होगी, लेकिन क्लोज ये इसके इसके ओपन इसके ओपन से भी ऊपर ये क्लोज होगी, ठीक है। इसके क्लोज से नीचे ये ओपन होगी, इसके ओपन से ऊपर ये क्लोज होगी, ठीक है दोस्तों। तो और ये देखिए, अब ये पूरा मीन्स इसने इस बुलिश कैंडल को पूरा ढक दिया है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले क्या था, जब ये बेयरिश कैंडल बनी थी तो सेलर एक्टिव था, ठीक है। जैसे ही ये सेलर इसके ऊपर एक्टिव था तो सेलर के बाद बायर इतना एक्टिव हो गया कि उसने सेलर को ढक दिया, पूरा इनगल्फ कर दिया, खाने को दौड़ गया, ठीक है दोस्तों। छोटा सा सेलर का पार्ट छोटा रह गया, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इसका मीन्स उसने सेलर को रिजेक्ट कर दिया, उसका जो प्रेशर था सेलर का प्रेशर था उसको दबा दिया, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए ये मार्केट अब क्या होगा, मार्केट में चढ़ाव, ऊपर मार्केट बढ़ेगी दोस्तों, ये साइन होता है इसका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। दोस्तों, चलिए एग्जांपल के साथ बात करते हैं। दोस्तों, एग्जांपल देखिए दोस्तों, अब देखिए बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है। मार्केट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड जब मार्केट का है तो उस टाइम पे ये पैटर्न बनता है। एक कैंडल बनी रेड वाली, रेड वाली को जब ढका उसने पूरा ही ग्रीन ने ढक दिया, तो ये क्या बना आपका बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद जैसे मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट एकदम चढ़ेगा तो इस तरीके से जो मार्केट चढ़ने वाला है, तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए, इसमें सबसे पहले मेन बात क्या है, आपको देखना है डाउन ट्रेंड है, दूसरा क्या देखना है, बियरिश कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल बनने के बाद उसको ढकने वाली बुलिश कैंडल बनी है, तो ये आ गया आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दोस्तों। अब और ये कब काम आता है, जब मार्केट नीचे गिर रही है आपको ट्रेंड देखने की, हाँ भाई अब ऊपर चढ़ने वाले, अब ऊपर चढ़ने वाले, तो बनता है आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दोस्तों। ये बताता है आपका कि मार्केट में अपसाइड आने वाला है। चलिए दोस्तों, ये तो रही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको लिए अभी अगली जो पैटर्न है उनके बारे में अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।